अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। कैसा है तबीयत पानी? तबीयत तो अच्छी है बेटे, 8 दिन से नल नहीं खुले। जरा 2 घड़े पानी ला कर दे बेटा, सबाब होता। खाना पका लेते और हम भूखे हैं 8 दिन से। लेके उधर से पानी लेके आ। मैं ले ले क्या हूँ पानी बस? जरा ले ले क्या आ रो? पानी पिलाना सवाब है। क्या खाला? सवाब होता बेटे, सवाब होता। पानी पिलाना सवाब की चीज है। सवाब है, देखा? रोड को कितने आदमी पिलाते? पिला रहा हूँ खाला। क्या के ले क्या? जा रहा हूँ बस। जल्दी। हाँ खाला, इधर है तुम्हारा दामाद। बॉस जरा हल्लू बात करो, खाला बहुत किराक है। नूर भाई को भी नहीं सुनते हो नो? नहीं खाला, आपके दामाद साहब किधर है खाला? किधर है कि क्या आएगी, काई को बैठे क्या हो या? उसकी चिट्ठी उठे हुई है, खर्चा पानी देने आया उसको। रोता रहता बेटे को, यही इलाके को छोड़ देता। ये माठ मिला लंगा भाड़ को कब्जा लिया चिट्ठी। अरे शमीम, अरे शमीम। अरे औरत बच्ची को बाहर कहीं को बुला रहे, मार्केट में कहीं बुला रहे, दामाद को बुलाओ बोलने का अपने को। बॉस शमीम नाम बच्चियों का भी रहता, बच्चों का भी रहता, इनके दामाद के छत। ऐसा क्या? हाँ शमीम जी। अम्मी कब डाला रे माठी मिला चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी अम्मी? मैं कब डाला चिट्ठी? तू चिट्ठी डाला नहीं रे, लेकिन हमला उठा दिए। बॉस इनॉग्रेशन करो। तेरी नाक में अंडा भोड़ा क्या है रे? औरत बच्ची को मारता। मैं किसको मारा? औरत बच्ची पे जुलुम करता। अरे मैं किसको जुलुम करा भाई? अम्मा मैं नहीं करा। अब तेरे को हमला बताएंगे रे, जुलुम किसको बोलते हैं? अरे ठहरो खाला, मेरे को कहीं को मार रहे तुम? अरे जरा ठहरो। अरे अरे मैं तुम्हारी मदद करने आया। मेरी कहीं की मदद करता रे निंगोड़े। ठहरो जी, बात तो सुनो खाला। खाला तुम्हारा दामाद पीले के तमाशे कर रहा, बच्ची को जुलुम कर रहा, मार रहा बोल के हम लोग आए तुम्हारी मदद करने। मेरे हीरे ने से दामाद को कौन बोलिया रे? वो इन्हें बोला। इन्हें बोलिया। हाँ कहाँ है रे वही खाला के घर के नीचे हम लोग। अरे अरे मैंने बोला अल्लाह बहुत बड़ी गलती हो गई बॉस। क्या हुआ? तेरी सूरत से झूठा दिख रहा तू। अब 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 वो मटन वाले खाला की गिच्ची थी, ये चिकन वाले खाला है। पूरे मारा पड़े बात बोलता हौले। परां फेंकने के बहाने कब तक मेरे से मिलते रहेंगे? जब तक तुम्हारे और मेरे परां एक नहीं हो जाते। क्या? अब मेरा मतलब है जब तक तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो जाती। क्या हुआ इतना अर्जेंट बुला है? क्या काम है की? वो एक बात बोलना था। बोलो। कैसा बोलूं? उसे बोलो जी। वो महबूब मेरे को ना एक 20,000 होना था। 2 दिन पहले बोलना नहीं, कल ही चिकन वाले को पेमेंट करा। अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी से पैसे पूछी तो तुम्हारी इज्जत पे बात आ जाती। प्लीज महबूब प्लीज। बस बस अब तुम्हारे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे में पपलू तुम्हारे घर पे कैश लेके पहुंच जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा शुक्रिया महबूब। इन्हें लगी काम निकलते की भाग भाग कर रही, अब क्या कर सकते, मोहब्बत है अपनी, संभाल लेना पड़ता। अरे ये क्या मिया, इतनी सर के प्याज डाला, थोड़ी और डालो। वो रिश्ते को भी ऐसी बोले ओलोगा, बच्ची गिड्डी है, दुबली है, बाला कम है बोल के इतना अच्छा रिश्ता टुकरा दिए। अच्छा खासा 25,000 आ जाते थे अपने ऑफिस के। अब ये रिश्ते को देख लो, इससे अच्छा रिश्ता क्या बताएंगे। बच्ची एक लुती एक है, खूबसूरत है, लंबी गोरी गुमटी है, बाबा करोड़पति है,
5 किलो सोना देते बोल रही, एक गाड़ी देते बोल रही, घर देते बोल रही गिफ्ट में। बस बच्चे का कारोबार जाती होना बोल रही, अब इनो ये भी नहीं कर लेते बोल रही। अच्छा खासा कर लिया तो 25,000 आ जाते थे ना ऑफिस के। बस आपके ऑफिस के 25,000 आगे समझो आप। वो कैसा? मेरी नजर में एक बच्चा है, लंबा चौड़ा ताकतवर सेहतमंद तंदुरुस्त, और तो और उसका जाती कारोबार भी है, माशाल्लाह से गोरा घूमता भी है। कहाँ है लड़का? बच्चा आपके सामने खड़े हुआ है। ये बच्चा? ये कैसा बच्चा? वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे को ज्यादा उम्र दराज दिख रहे हैं ना। देखो खाला। ओ, खाला किसको बोल रहे हैं? जब आप एक खूबसूरत नौजवान हुस्नो जमाल वाले बच्चे को उम्र दराज बोल सकते तो मैं आपको खाला नहीं बोल सकता हूँ। देखो आपा, मैं भी एक और निकाह की तलाश में था। अब मेरा मतलब है मैं भी एक अच्छे रिश्ते की तलाश में था। अगर मेरे इस मंसूबे में आप लोगों की थोड़ा सा ताउन रहा तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेंगी। क्या बोलते? अब आ जाते वैसा दिख रहा 25,000 अपने ऑफिस के। अरे लेकिन लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, गो एंड गेट स्टार्ट माई शादी की मेकिंग। देखिए अगर आप लोग ये मेरा रिश्ता करा दिए तो 25 + 50 पूरे 75,000 रुपए मैं आप लोगों को ऑफिस फंड में देता हूँ। करा देंगे, अभी करा देंगे, जल्दी करा देंगे बेगम, चलो 75,000 का मामला है जी। अरे ठहरो जी। अरे पैसे नहीं आए, ये क्या दे रही है? चुप बैठो जी, जब देखो जब पैसे पैसे करते रहते, खामोश बैठो, जरा काम की बात करने दो। ये देखिए ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है जी, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी फोटो और बायोडाटा भेजिए। बिल्कुल, आज ही ताजी फोटो उतार के भेज रहा हूँ मैं। अच्छी फोटो भेजना। शुक्रिया। वैसे आपकी अगरबत्ती की खुशबू बहुत जबरदस्त है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ए हुशारचंद, ए हुशारचंद, ए हुशारचंद, ए हुशारचंद, ए हुशारचंद, आ गया। अरे बस करो यार, क्या मरे हुए गधे के थके हुए गले की तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? ए बी सी डी ई। अरे बस कर यार, अब क्या पूरा जेड तक लेकर जाएगा? हट थू, लानत है, क्या गंदगी है यार सुबह सुबह। हट थू। ए शाणे, एक मिनट, पहले हम हमारा जरा इंट्रोडक्शन तो दे दें। पहचानते हो हमें? हमारा नाम होशियार चंद, होशियारपुर वाला है, नाक पाड़े के नाक के पाड़े में रहता हूँ, और सबसे यही कहता हूँ, आई टॉक विद द डिफरेंट पीपल विद द डिफरेंट स्टाइल विद द डिफरेंट डे विद द डिफरेंट टाइम विद द डिफरेंट लैंग्वेज विद द डिफरेंट वे विद द डिफरेंट डे विद द डिफरेंट टाइम। बस कर, हो गया। हाँ भाई। ए भाई, जो तूने बोल वचन दिया ना, वो अपने को कुछ समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अरे ये बात मेरे जैसे दिमाग वाले की बात है, तेरे जैसे बददिमाग के दिमाग के अंदर नहीं आएगी। ए ए राजू गुप्ती, बता इसको। छी, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगा। कितने गंदे लोग है यार, क्या क्या दिखाते। छी, मैं नहीं देखूंगा। ए स्मार्ट मून, जो तू समझ रहा है ना, ये वो नहीं बता रहा है, ये हम लोग कौन है वो बता रहा है। अच्छा अच्छा, वो बता रहा है, मैं समझा। ए अनवर, बता इसको। अबे पूरा अखा मुंबई में शिगुरु भाई का इतना राम है ना, पूरा मुंबई वीरा नारा सुपरा वसाई नायगांव महिंदर मीरा रोड दहीसर बोरीवली गांधीवली मलाड गोरेगांव जोगेश्वरी अंधेरी सांता क्रूज खार बांद्रा मुमरा माही माटुंगा दादर वडाला रोड जेटीपी चुन्नाभट्टी कुर्ला बदलापुर चेंबूर वाशी सनपाड़ा गोरेगांव भेंडी बाजार नल बाजार शोर बाजार सीएसटी छत्रपति शिवाजी हैदराबाद की बिरयानी और मुंबई का वड़ा पाव, पूरा अखा मुंबई में अपना भाई किसी को भी नहीं देता भाऊ। ये बस कर यार, कंफ्यूज हो जाएगा। ए शाणे, अभी तेरा ये लाफ्टर शो बंद कर और गुंडा टैक्स निकाल, हम लोग इधर गुंडा टैक्स वसूल करने आए ले। क्या गुंडा टैक्स? अभी वसूल करता हूँ। तुम भी यार किस भिखारी से भीख मांगने चले आए हो? अब मेरा मतलब है किस भिखारी से गुंडा टैक्स मांगने चले आए हो? अरे मुझे तो सरकार ने इनकम टैक्स माफ कर दिया है, तो मैं तुम्हें गुंडा टैक्स कहाँ से दूंगा बताओ? क्या सरकार ने तेरा इनकम टैक्स माफ कर दिया है? हाँ। वो कैसे? वो ऐसे कि जब मेरे जैसे गरीब इंसान की कोई इनकम ही नहीं है तो मैं इनकम टैक्स कहाँ से भरूंगा, इसलिए सरकार ने मेरे लिए कहा कि जा आज से तुझे इनकम टैक्स माफ। बताओ भाई, ये बेचारा तो सचमुच बहुत गरीब लगता है भाई। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, इसके लिए कुछ करना मांगता है। अब उन्हें काम करते हैं, इसको अपनी गैंग में एडमिशन दे देते। Oh, no! क्या चार पैसे भी कमा लेगा, इसका घर चल जाएगा। अरे भी बच्चे का दुआ लगेगा ना भाई। सही बोले भाई, इस धंधे में दुआ की बहुत जरूरत है भाई। सही बोला।
चल भाई चल। नहीं नहीं अपन के साथ चल। नहीं, 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 मैं नहीं आ सकता आपके साथ। काई को? अब वो क्या है ना, मेरे घर में मेरी बूढ़ी बहन है, मेरा जवान बाप है, मेरी बिन बिहाई माँ है। क्या सच में? अब मेरा मतलब है, जवान बिन बिहाई बहन है, बूढ़ा बाप है, मेरी माँ बीमार है, मेरा छोटा फूल सा मासूम मेरा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, इस मकान का मालिक रोजाना हमारे से किराए के लिए लड़ रहा है, मेरे बाप के पैर का जख्म सड़ रहा है और डे बाय डे मेरे जिंदगी में तनाव बढ़ रहा है। ए भाई, तेरा सैड स्टोरी सुन के अपने को बहुत दुख हुआ। दुख? अरे भाई, दुख जब हमारी स्टोरी सुनता है तो खुद दुख को दुख होता है, लेकिन तुम तो फिर भी इंसान हो, लेकिन हम भी खुददार लोग हैं, गम खा के अपना पेट भरते हैं, आंसुओं से अपनी प्यास बुझाते हैं, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कुछ मदद हो जाती तो? अरे तू टेंशन मत ले भाई, हम लोग करेंगे तेरी मदद। ए किसके किसके किस्से में कितना लोकड़ा पड़ेगा, इधर लाओ। ए निकाल भाई, तू भी निकाल चल। ए भाई फिलहाल ये रख, ठीक है, और टेंशन नहीं लेने का। क्या कुछ भी होगा ना वांदा, तो शुक्र भाई को बोल लेगा, आज से अपुन तेरा भाई है। क्या समझा? क्या लेकिन मैं ये वापस? ए भाई बोला ना, भाई बोला ना, अब ये रखने का, वापस वापस करने का मत सोच। तो बराबर है। ए चलो ना निकलते। शुक्र भाई फिर आना है। देखा होशियार चंद की होशियारी का नतीजा, मुझसे गुंडा टैक्स मांगने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें इमोशनल करके उनसे इमोशनल टैक्स निकाल लिया। एक बात बताऊं, मेरी बहन बिन बिहाई नहीं, मेरी माँ बीमार नहीं, मेरा बाप बूढ़ा नहीं, मेरा छोटा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं। एक और बात बताऊं, ये घर भी मेरा नहीं है। ए आगे जाना भिखारी। अरे भिखारी किसको बोलता है यार, अपना भी कोई स्टैंडर्ड है। ए चलना चल। अरे जाता है चिल्लाता गए को। ए माई अच्छा दिखाने मैं तुम्हारे को। छिछी अस्तगफिरुल्लाह, तुम कहीं को अच्छे दिखेंगे? फिर मेरे को देख के अदाकारियां क्यों कर रहे थे? अदाकारियां तुम्हारे को देख के? वो तो तुमिश मेरे को देख के बेभरे हो रहे थे। बेभरे? वो कैसा होते की? फिर मेरे को बोरिंग मारते हुए कहीं को घूर घूर के देख रहे थे। वो तो हमारे फुप्पू देख क्या बोले थे, बोरिंग में पानी आ रहा नहीं आ रहा बोल के, इसके वास्ते आके मैं बोरिंग में देख रहा था पानी आ रहा था बोल के, तुम्हारा कौन देख रहे थे? बोरिंग देखने आया था। आओ जी कसम से बोल रहा हूँ। अच्छा जाने दो, क्या है बोलो। बात क्या है बोले तो, 1800 रुपए लेके एक पप्पी देते। देते। चलो जरा एक बीड़ी मार लेता हूँ। स्वीटी। अरे स्वीटी की नहीं होना जी, तुम्हारी पप्पी होना। स्वीटी। अरे स्वीटी को क्यों बुला रहे, तुम्हारी पप्पी होना बोला मैं। 1800 रुपए तुम्हारे देता हूँ। अरे ठहरो यारो, तुम्हारे देता हूँ जी। अरे ठहरो यारो। अरे कौन है रे भाई? ओह माय गॉड, ये क्या चीज है भाई? भाई चुन सूटी। ओह नो, पप्पी आना रे, देखो इले पप्पी। कम ऑन फास्ट जानी, गिव इट जानी, ठहरो आई विल हेल्प यू जानी, कम ऑन आजा। बहुत बैठे जानी, दे दो दे दो। एक और स्ट्रॉ दीजिए ना। एक और स्ट्रॉ दे दो। नारियल दे दो।
हमें चलना चाहिए। चलो। अरे मेरा मतलब है मुझे चलना चाहिए। ओके। और हाँ, थैंक यू फॉर दिस पर्स। अगर इसके दिल में कुछ है तो ये जरूर पलटेगी। अगर इसके दिल में कुछ है तो ये मुझे जरूर पुकारेगा। पलट पुकार पलट पुकार पलट पुकार। नहीं पलटते सर का दिख रहा, मेरे को ही पलटाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी लेडीज। जी आपने मुझे बुलाया? हाँ एक्चुअली एक ये आपका मोबाइल नंबर है? नहीं ये तुम नारियल पानी पी लिया सो उसका बिल है 13 × 15 ₹450। ये लो तुम्हारे 450 rupees। कीप द चेंज। घटिया सोच रखने वाले घटिया इंसान कहीं के। कहीं के नहीं यहीं के। 50 का फायदा हो गई। ये बैगन के तमाशे होते बोल के हम 7 साल पहले फिल्म में डायलॉग बोल दिए थे। कौन सा? लड़कियां आती हीर की तरह, लगती खीर की तरह, चुपती तीर की तरह, आखिर में हालता बना देती फकीर की तरह। आओ नहीं मीठा दिल मलिए, कल से काम पे चलिए, 5 लाख रुपए देना है। मियाँ हल्लोलू करके ले ले, मेरी बात समझ। ठीक है तुम भी जरा हल्लोलू करके दे दो मियाँ। ठीक है भाई। चलिए बहुत हो गया राइट। हाँ कामा बहुत है पहले यहाँ पर। देखे खाला हालत ये जरा बोलो जरा ये वीडियो हो बताओ जरा शकील को जब्बार को खालिद को हनीफ को मुस्तफा को सबको बताओ। ऐसे पोटियों की चक्कर में रहे ना खाली तरकारी भाजी पे रह जाते, ऐसी मोहतबरी कहाँ से लाएंगे। हेलो बेबी। अरे गालियां कहीं को दे रहे हैं भाई। अरे तरकारी पूरी ले लिया चेतक की डिक्की में रख दिया, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, 3 मिनट में जबरदस्त खाना बना के देता हूँ तुम्हारे को। हाँ मालूम है मैं वही छू। देख रहे खाला अब तो समझो। हो गया वजन, पूरे दाने छिल दिया, एक दाना भी नीचे नहीं गिरा। प्लेट सीधा रख, दुआ पढ़ लेते बैठ। हाँ भैया। बिस्मिल्लाह। इसको आज खाली पीली बहुत डरा दिए, बहुत मारे अपन। बेचारा आज रोजे में रह के बहुत मेहनत करा, आज इसको अपने हाथों से रूह अफ़ज़ा डाल के पिलाऊंगा मैं। गिलास दे। बस भजन बस 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 ये ना भजन ये ग्लास तुम ले लो, ये जग में कटे। सुधरने वाली खाल नहीं है ये, नदीदा कहीं का। दुआ कर लेते भाई। आ जाओ ना भाई, शहरन का टाइम हो रहा, वक्त नहीं है, पहले आ जाइए। आ रही हूँ अब भी आ रही हूँ जी, हो गया। अरे पहले आ जाओ भाई, ये दुआ करने का, दुआ की कबूलियत का वक्त हो रहा था, पहले आ जाओ, पूरे काम छोड़ो पहले आओ। आ गई जी, भजिया तल रही थी ना, कहीं को तो इतना पुकारा कर रही। क्या तो भी हो गया, कहीं को ऐसा पुकार ले रही। पहले बैठो भाई, दुआ कर, दुआ करो पहले बैठ के, दुआ करो जल्दी, ये भी वक्त है दुआ की कबूलियत का, जो मांगेंगे इंशाल्लाह कबूलूंगा, दुआ करो। अल्फातिहा।
الحمد لله الحمد لله كمينة आइए भाई आइए भाई नूर भाई की घोटे की अली में नूर भाई की घोटे की अली में आइए भाई आ जाओ आ जाओ हाँ बोलो भाई क्या होना मैं हूँ रे भाई क्या पुकार रहा है लौंडे ये नूर भाई की घोटे की अलीम बोल रहा हूँ नूर भाई की घोटे की अलीम बोल तो लोग क्या समझेंगे नूर भाई को घोट के अलीम बनाए समझेंगे उनसे लोग जी गिराक किस नहीं आ रहा है यहाँ पर ऐसा पुट्टियों की आवाज में पुकारे तो गिराक कहाँ से आएगा गिराक को बुलाने के लिए मर्दाना आवाज होना पड़ता नीचे उतर देखेंगे तुम्हारी मर्दानी आवाज में कौन आती है देख अब नूर भाई बताएंगे तेरे को कारोबार कैसा करती नूर भाई हलीम वाले बोलते गरम गरम ताजा ताजा घर को ले जाके खा जा इसके अंदर डाला डाला नींबू मिर्ची गरम मसाला हरा मसाला खड़ा मसाला अदरक लहसुन धनिया भी डाला काजू बादाम खोपरा काला गोश गला के घोटा मारा असली घी का ले भी प्यास ऐसा मोटा किशमिश का दाना लौंडे इसको बोलते कारोबार वाके बात बोले भाई नूर भाई दो पार्सला मैं भी लेके चले आता ना भाई ले लेके जा मियां शुक्रिया नूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया नहीं बेटे आज का तुम्हारा भत्ता बराबर हो गया समझो जाओ अरे क्या भाई जल्दी जाके जल्दी आप प्लेट धोना है भाग एक अलग ही खुशी हो रही बाप क्या सुकून मिलता मालूम किसी के लिए कुछ करे तो साई बोला पटे लेकिन तेरा आइडिया बहुत जबरदस्त था देख पट्टे शिवा हाँ। अपने बस्ती में दो जने बहुत गरीब है रे भाई कौन रे भाई एक वो सेंटरिंग का काम करता सो नरसिम्हा हाँ। और एक अपना प्लम्बर का काम करता सो आतिफ पीछे गली में रहता नहीं अपन लोगों कुछ तो भी करके इन लोगों की मदद करना है बाप मैं क्या बोल रहा हूँ अपन दोनों से जो भी हो सकता अपन दोनों मिला के और अपने दोस्तों को भी बोल के कुछ तो भी करके अपन लोगों को इन लोगों की मदद करना है बाप जबरदस्त बात बोला बाप मेरे तरफ से 5,000 रुपए पक्के है और एक काम कर दो श्रीराम नगर के जितने भी हमारे दोस्त है ना उन लोग को बोल के पूरा कलेक्शन करके ला दे पैसा बोले तो मेरी भी तरफ से 5,000 रुपए पक्के मैं भी क्या करता हूँ हमारे सैयद नगर के पूरे दोस्तों को बोल के उन लोगों से कलेक्शन करके ला लेता हूँ क्या बोलता ओके चल अच्छा असर के बाद स्पॉट पे ओके पूरे 50,000 रुपए जमा हो गए बाप ऊपर वाले की मेहरबानी है बाप एक काम करेंगे एक काम करो अन्ना ये 25,000 रुपए तुम दोनों मिलके नरसिम्हा के घर पे दे के आओ जी ठीक है भाई और ये 25,000 रुपए हम दोनों मिलके आतिफ के घर पे दे दे के आओ क्या बोलता अपन गए तो दोनों भी खुश हुआ था बाप सरप्राइज रहेंगे उसके वास्ते चल चल पट्टे
एक दिन अपन दोनों इंसानियत के लिए मिसाल बनेंगे रे। मिसाल बनेंगे क्या यार, मिसाल ही से अपन गंगा जमुना तहजीब सारे आम है। हर मजहब का यहाँ पर सम्मान है क्योंकि हमारा भारत महान है। हेलो, रोजे का टाइम भी हो रहा, आपको अलिम भी खिलाना है, चलो। हाँ याद है। अब कम दिख रहा? आज शिरखुमा नहीं मिलता ऐसा दिख रहा मेरे को। रो रहे गई को जी, जानते हो शिरखुमा फिर कभी बना लेंगे। मैं उसके बाद से नहीं रो रही हूँ। फिर मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया, अब मैं मेकअप कैसे करूंगी। अरे इतनी की बात क्या, रो रहे गई को तुम? मैं हूँ ना वन एंड ओनली ऑलराउंडर अपन, मैं करता हूँ तुम्हारा मेकअप। तुम्हारा कहा था? लारियल के मेकअप स्टूडियो के 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। अब मैं तुम्हारे को ऐसा मेकअप करूंगा। अरे कैसा मेकअप करते? ऐसा मेकअप करूंगा कि तुम खुद अपने आप को देख के बोलेंगे, क्या मैं छू ये। अल्लाह सही भी। हाँ वीर, तुम 5 मिनट बैठो, मैं 10 मिनट में मेकअप का सामान लेके आ। हो गया बेहतरीन तरीके से तैयार, अब दिख रहे आप सुपर मॉडल। आईने में देखो, पहचानना ने अपने आप को, उतना बेहतरीन मेकअप करो। सही भी। 1, 2, 3। ओह माय गॉड! मेरे को शिरखुमा ने बना के पिलाती। रे गबरू मुसल निकाल, दुकान में छिछोदरी घुस गए सर, क्या दिख रहा? निकाल मुसल। अब भी ला रहा हूँ भाई। क्या जी, मैं तुमको छिछोदरी देख रही हूँ। क्या यार महबूब, कहाँ से घुसी छिछोदरी? छिछोदरी ने मी घुस है। देखिए झाड़ू फेंक को मार मार को जाती। मुश्किल है अम्मी, बहुत मोटी घूस है। मेरे को घूस बोले तुम? घूस बोले तुम? अरे तुम्हारे नहीं बोला जी। मेरे को सब मालूम है, तुम ना मेरे कुछ बोले। मालूम रख के भी गई को पूछ रहे फिर बार बार। क्या बोले? अब क्या होना तुम्हारे को, क्या होना पूछा, क्या होना? मैं जो होना बोली वो मेरे को देते। उधार नहीं होता, देखो पहले सुबह में अम्मा बात करे, उधार बोलते नहीं होता, नेट बोले तो देता। क्या जी, कब देखो जब कारोबार के पीछे पड़े हुए रहते, कभी मोहब्बत की भी बात करना। करेंगे वो भी करेंगे, कोई बड़ा आर्डर रहा, बड़ा गिराग रहा तो मोहब्बत की बात भी करेंगे। मट्टी पड़ो जी तुम्हारे कारोबार पे। अब ये गुल्लती लड़ा नको करो, क्या होना बोलो, अगर अम्मा तुम्हारे को मेरे को दोनों को एक साथ इधर देख लिया ना तो दोनों के मुंडी पाए काट के इधर ही भून देते, क्या होना? मेरे को दिल होना। अरे घबरो, अंदर से दिल लाके दे इनको। छी, वो बकरे का दिल नहीं होना वो मेरे को। फिर किसका दिल होना? तुम्हारा दिल होना मेरे को महबूब। हाँ मेरा दिल कई को? दिल देख के देखो जी, गोश बेचने वाले दिल देना सीखो जी। महबूब
मैं जब भी तुम्हारे से मिलती हूँ ना, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। एक बार ईसीजी निकाल लेना था, वाला चेक करा लेना था। सांसें जोर जोर से चलने लगती। अस्थमा का तो नहीं है कहीं? तो फेफड़ों में इन्फेक्शन होगा। रातों को नींद नहीं आती। रात में सोने से पहले तलवों को खोपरे का तेल लगा के अच्छी मालिश करो, बेहतरीन नींद आती। ना कहीं सुकून आता है, ना कहीं खरार आता है, हर वक्त बेचैनी लगी रहती है। मास्टरबेशन प्रॉब्लम होगा, कंटिन्यू कैसे सो रहे क्या? छी, क्या गंदे वादा करे थी होले बच्चे। मैं तुम्हारे से मोहब्बत की बात करी और तुम खलीफ बीमारियों की बात कर रहे। आई लव यू महबूब, मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कहीं ने मेरी दुकान कब्जा करने के चक्कर में तो नहीं है? में जा, शादी कर चु दो महीने में भोजन, अच्छा धंधा कर। आई लव लू की लव लू बोल को फंसा को खा लेते, मर जाते कारोबार खा जाते, जाती दुकान वाले तू होता वरा। 6 दिन लगा को काम करया तो बकरीद में शादी कराती हूँ तेरी, दुर्दाना की छोटी बेटी थे। ऐसा अम्मी, अब देखो तुम खाली, आप देखो खाली, आपका बच्चा कैसी मेहनत करेगा, आपका बच्चा ऐसी मेहनत करेगा कि आप खुद अपने बच्चे को देख के बोलेंगे क्या मेरा ही बच्चा है ये। हाँ अब देखो अम्मी खाली, तुम कैसी मेहनत कर दो, बकरी इसमें शादी करा रहे ना। अब देखो खाली, बादशाह की बेटी घर को राजू से रखो, पोटिया की चक्कर में नहीं फड़ना देख, नहीं फड़ना देख। सही बोले अम्मा, ये पोटियों के चक्करों में नहीं जाना, नहीं तो ना अपने कारोबार खा जाते। क्या तो भी सोच रही थी था? बा, 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 कुछ भी नहीं, तुम यहाँ से काम करो जाओ, तुम अब जाओ यहाँ से, अम्मा आने का टाइम हो गया। अपन दोनों को अम्मा अगर साथ में देख लिया ना तो कल से अपना आगोश बिकता है यहाँ पे, समझ रहे ना? चल जाओ तुम, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, जाओ 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 भाई, पहले जाओ। अरे मेरे को गोश्त तो दियो। अरे गोश्त है भाई पहले इनका, चला चलो, 100 रुपए दियो, 100 रुपए दियो, बाद में देती हूँ। अरे अम्मा, अरे अरे आखिर लगाई 100 रुपए का चुना कमी नहीं का की। भाई बच्चे सच्ची मोहब्बत करती जैसा दिख रहा है। अरे माइक किसकी भी नहीं चोरा, टंगू छेड़ता रे गलीस माठी मिले पहले तो ऑटो लेके निकल यहाँ से, खाला को मैं संभाल लेता हूँ, निकल। ठीक है नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई, लेकिन नूर भाई कभी भी आधी रात को तुम्हारे कोर्ट से, पीएस से, पुलिस से, पहलवानों से रोडी पे निकल बे, जरूरत पड़ी तो मेरे को याद करो। हाला को नहीं संभाल सक रहा, उन लोगों को संभालता कर, चल। नूर भाई बोलते मेरे को, जासूसी नहीं घुसती, मां सबल घुसाता मैं। जी खाला आइए। अच्छा कर रही हूं बेटा मैं। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस खाला। हेलो खाला। किसको दे रहा रे, किसको दे रहा 100 रुपए? भिखारी नहीं समझगा, फकीर नहीं समझगा, दुनराती समझा। मार्केट में आखिरी डिमांड है बेटा, मार्केट में आखिरी डिमांड है अपनी। किरा खाला बोलते हमारे को तो 500 के निकाल फटिया सीना राती सु। निकाल रो खाला, ये लीजिए खाला, सीनियर आर्टिस्ट ये लीजिए। ऐसा रहे तो खुद 2 दिन पहले बोल जा रहा है रे, देर देख को बोलती हूँ। खाला की भी डिमांड आखिरी बढ़ गई मार्केट में, जी अच्छी बात है खाला, जाइए। कहीं पहुँच जाऊँ, हाथी पर जाऊँ, घोड़े पर जाऊँ? ऑटो मंगाओ खाला के वास्ते, मेरे ऑटो में बैठो, आखिरी डिमांड बढ़ गया तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम साले। नूर भाई के। वालेकुम सलाम मियां। हाँ नूर भाई, आज भाभी को और होबो को एक साथ ले लेके निकले खाने के आज से, टाइम बड़ा हाथ मारे दरगाह दिख रहा। यही बड़ा हाथ अगर तेरे मुंह पे पड़ेगा तो तेरा मुंह कैसा दिखेगा?
अरे ऐसा गुस्से में आ रहे क्या नूर भाई, मजाक करा जी, क्या होना आप लोगों को, क्या दियो? भैया हम लोग को एक केक होना है। अंकल अंकल मेरे को नहीं, दो फ्लोर का केक होना है, आज मेरी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू होबो। वाहिद भाई फ्रिज में से दो फ्लोर का केक ला के दीजिए नूर भाई को। अच्छा खारा वारा कुछ लेना है क्या? नहीं नहीं नको। और भैया मेरे को बर्थडे की टोपी भी होना। अरे इसको एक टोपी भी ले लो। एक बर्थडे की टोपी भी डाल दो। ओके वाहिद भाई एक टोपी भी डाल के दो, उसमें बर्थडे की टोपी भी दे दो। ये लीजिए नूर भाई। मैं पकड़ लेता हूँ भैया। पकड़ो बोले जब नहीं पकड़ता। अच्छा छोड़ो जी चलो। कितने हुए मियां? 2000 रुपए हुए नूर भाई आपके लिए। ये लो मियां। शुक्रिया नूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलो ओहो क्या बात है नूर भाई, दबा के केका वेका लिख जा रहे, पार्टी वार्टी है क्या? हमारे साले का बर्थडे मना रहा हूँ मियां। होता भाई होता, हमारा हमारा बर्थडे नहीं मनाए कभी ऐसा। साला बन रहा, तेरा भी बर्थडे धूम से मना तू। लौंडे चलती मशीन में हाथ डाल के परेशान हो आते। मूर भाई बोलते मेरे। क्या बोले जी तुम उसको? मैंने बोला जी उन्हें बोला। क्या बोला? उन्हें ये बोल रहा कि उसके बहन के आस्ते रिश्ते देख रहे करते, कोई भी अच्छा लड़का रहा, कोई भी अच्छा रिश्ता रहा तो मेरे को देख के बोलो बोल रहा। वो बाद में मालूम होता जी। चलो पहले आइए सवाई। माशाल्लाह अच्छी भर गई बुक। आपका नाम बोलिए साहब। लतीफ। लतीफ लाम तो है ये फे लतीफ। उम्र? 28 साल। 28 अलीफ ता फीस 28। नंबर बोलिए। 90 14 04 04। दूर भाई ऐसी बॉडी बनाना बोले तो कितना टाइम लगता? वैसी बॉडी बनाने के वास्ते आपको 18 महीने लगते। ऐसी बॉडी बनाना बोले तो कितना टाइम लगता? ऐसी बॉडी बनाने के वास्ते लगते आपको 23 महीने लगते। अच्छा ऐसी बॉडी बनाने कितना टाइम लगता है? वैसी बॉडी बनाने के वास्ते आपको 3 साल लगते। और ऐसी बॉडी बनाने कितना टाइम लगता नूर भाई? ऐसी बॉडी बनाना बोले तो कितने दिन लगते? हौला हो गया क्या मियां, वैसी बॉडी बनाता कहीं को भाई, ऐसा कितना तो भी टाइम लगता ऐसी बॉडी बनाने के वास्ते। अरे मियां वैसी बॉडी बनाने के वास्ते तेरे को दूसरा जन्म लेना पड़ता। कहीं को भाई, गौर से देख मियां, आदमी नहीं औरत है वो। आँखों से स्कैनिंग करके पूरा काम पहचान देता है आदमी ये। वो मेरी गाड़ी बंद पड़ गई, स्टार्ट नहीं हो रही, आप जरा देखिए ना प्लीज। मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ। बाइक को देखना है, बाइक को। बाइक को देख रहा हूँ। क्या फरमाइए क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रही। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। गाड़ी को स्टार्ट करना है, गाड़ी को। मैं भी गाड़ी किस बात कर रहा हूँ, गाड़ी किस बात कर रहा हूँ। जाके पानी लेके आ, चल हेड मैकेनिक, हेड मैकेनिक। जरा एक मिनट।
अरे क्या कर रहे जी? तू वहां कहीं घुस गया था रे? मैं साइलेंसर क्लियर है क्या चेक कर रहा था? मैं पहले चेक कर लिया, पूरी गाड़ी क्लियर है। मैडम आपकी गाड़ी रेडी हो गई, चेक कर लीजिए। कितने पैसे हुए? पैसे बोल के शर्मिंदा कर दे रहे आप, अब ये छोटे मोटे कामों के भी पैसे लेंगे आपसे? कुछ भी बड़ा काम रहा तो बोलिए जी। थैंक यू। मेंशन नॉट। सामान उठा। अजी आ जाइए। हाय बड़ी। हाय हाउ आर यू? हाय बड़ी। हाय हाउ आर यू? एक्सक्यूज मी जी, ये आपके छोटे भाई है शायद? नहीं, ये मेरे होने वाले वो है, हमारी शादी होने वाली है। अब ये पाने से भी इंजन ना खुलेंगे? एक्चुअली शी इज माई स्वीट हार्ट, माई जान, माई लव। ज्यादा शौक होने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी इंसान शौक में आके कुछ ऐसे काम कर देता है जिसका उसको कोई शौक नहीं रहता। अंडरस्टैंड? एग्जैक्टली। चलो जान, डेट पे लेट हो रहा। जरा बिठाओ मेरे को। चलो जान बैठो, गाड़ी उठाओ जरा। देख रहे उस्ताद, ये रहता तो वो पैसों का पावर, अगर जेब में पैसे रहे ना तो सुष्मिता भी पड़ती। वो नहीं रे, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर ये खूबसूरत पोटियाँ खाली है पैसे वालों के पोटों के पीछे ही रहेंगे तो अपने से स्मार्ट और गरीब बच्चे क्या करेंगे? ऑयल चेंज करेंगे गाड़ी का, चलिए। थू 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 थू, क्या क्या देखना पड़ रहा रे भाई? वाह कितनी अच्छी बेंसिल है रे, बता। हाँ हाथों तो लगा, हमारे पप्पा लाए थे दुबई थे। दुबई में रहते तुम्हारे पापा? हाँ, तुम्हारे पापा कहाँ रहते? हमारे पापा भी हाँ दुबई में रहते। नहीं, दबीरपुरा में रहते ना। हाँ कहाँ है दबीरपुरा? दबीरपुरा तो दुबई से भी बहुत 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 कितनी की दूर है। हाँ हाँ, और हमारे पापा नहीं उससे भी बड़ी, इतनी बड़ी कितनी बड़ी सी भी पेंसिल लाते बोले मेरे रास्ते दबीरपुरा से। तुम्हें लगता दो था ना, तुम्हें तो देता ना पेंसिल बोली। नहीं देता मैं, तू दिया मेरे को ये पेंसिल। ये दे तो देता। आओ अब देता हूँ, चलो अंकल। चिंपैंजी हमबेंजी। ये सब लोग आ, दो दो रुपए निकालो जल्दी, हम लोग सबके पास से पैसे जमा करके कल लंच ब्रेक में पार्टी देने वाले। और जो भी पैसे नहीं देगा ना, समझ जा रहा ना बेटा? चलो निकालो सब दो दो रुपए। चलते सब दिनों के बाद दो दो रुपए ले लेते, तित्तू भी तुत्ती नहीं दिलाते, धंधे पट्टे खाते थी। लो भैया यहाँ से शुरुआत करेंगे। चल रे गोरे, दो रुपए निकाल। अरे ध्यान दे रहे भाई, इसको रखो कुछ पैसे, इसको पैसे पूछते ही रोना स्टार्ट कर देता है। जाते छोड़ दे इसको। अरे तोते चल तू निकाल दो रुपए, चल चल जल्दी दे। हाँ कह तो देना पैसे, मैं तो नहीं है, मैं कहते तू पैसे नहीं देते। हाँ अरे इसको भी छोड़ दे रहे भाई, इसको समझाए समझाए तक टीचर आते पीछे से कलेक्ट कर लेंगे। चल चलो रे, पूरे कलेक्शन निकालो दो दो रुपए, चल रहे निकाल। अरे ला रे दो दो ला रे। अब रोले कितना रोना है तेरे? कभी नहीं, धंधे पोते तांदे थी कभी नहीं। अम्मा बीविया इतने भयानक रहते भाई? पैसा नहीं रे भाई, अपनी अपनी किस्मत की बात है, ये एक लॉटरी के सरकार समझो रे भाई, किसको क्या निकलता नहीं बोल सकते। ये तो जिंदगी भर का लगावा है रे भाई, पुदीने के हार का कैसा करेंगे।
खाली पुदीने का हार बस है, नींबू मिर्ची अदरक लहसुन प्याज का हार नको। अरे यारो मैं दूल्हा होने बिरयानी का मसाला हूँ जो नींबू मिर्चिया अदरक लहसुन प्याज का हार पीना ने। नको नको अच्छा ना दिखता, खाली पुदीने का हार बस है रे भाई, वो भी मरफे के साथ। अरे फिर मरफा बोल रहे क्या यारो, खुशी का मौका है रखना पड़ता। दोस्त से ज्यादा तो तुम्हारे खुशी दिख रही उसकी शादी की। और फिर मेरी बर्बादी के टाइम पे उन्हें कितना खुश था। क्या शादी के टाइम पे, मेरी शादी के टाइम पे कितने खुश थे मेरे दोस्त। अब खुशी का मौका है ना बेगम, थोड़ा एंजॉय कर लेते ना। एंजॉय करो, मैं नहीं करो बोल के नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ ये बाजे बजा के पटाखे फोड़ के बड़े बड़े हारा ला के फजूल खर्चे नको करो। सही भी यार, अपन चीजों में बहुत पैसे बर्बाद कर देते। थोड़ी देर के एंजॉयमेंट के वास्ते हजारों रुपए बाजों में पटाखों में डाल के उड़ाए थे। और वो पुदीने का हार तो पैसे जमा करके ऐसा एहतराम से लाते जैसा दूल्हे को पिनाते कि 5 मिनट में कचरे के डब्बे में फेंक डालते। अगर वही पैसों का पल्ला सही इस्तेमाल करे तो किसी एक गरीब की मदद कर सकते पल्लों का। ये अच्छा सोचे तुम, अच्छे काम करने से किसी की मदद करने से अपने बलाया टल जाते। ऐसा बोले तो तुम्हारे वाले साहब बहुत अच्छे अच्छे काम करे सर का दिख रहा। वो कई को बोले तो उनकी बला टल गई ना, इधर आ गई। मैं बला हूँ? तुम बला है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे वाली साहब अच्छे इंसान है ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा वो सब छोड़ो, कल मैं तुम्हारे अकाउंट से 20,000 रूपए ले रही हूँ। वो कई को की? कई को बोले तो मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, उसको सरप्राइज देने के वास्ते हम लोग पूल साइड म्यूजिक लगा के किटी पार्टी कर रहे और फुला भी पहना रहे। हाँ जल्दी करो यार, सुबह से लाइट नहीं है, हमारी स्वीट हार्ट को गर्मी हो रही। आ? के लिटिल हार्ट की भी स्वीट हार्ट है, वाह। अरे जल्दी करो यार, क्या सुस्त मुर्गे कैसा काम कर रही। मुर्गे हमेशा सुस्ती रहते, मुर्गियां फड़फड़ाते, कहीं को फड़फड़ा रहे, करो ना ठहरो। आगे क्या देखो बोलो, चूल्हे खाने में लाइट। शबाना लाइट आई। हाँ हाँ आ गई। आगे कहते नूर भाई कितने पैसे हुए? 300 रुपए दियो। हाँ खाली एक वायर लगाने के वास्ते 300 रुपए? खाली एक वायर लगाने के वास्ते खाली एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता, उसके बाद खाली पूरे घर की वायरिंग चेक करना पड़ता, उसके बाद खाली दिमाग लगाना पड़ता, जब जाके खाली एक फॉल्ट पकड़ में आता, उसके बाद खाली एक वायर खरीद के लाना पड़ता, जब जाके खाली एक वायर लगता, इसके वास्ते उसके खाली 300 रुपए होते। लाइए खाली 300 रुपए दीजिए। अच्छा लूट रहे तुम लोग, कमजोरों को देख के बोलने आता लूट रहे कर रहे बोल के, जो हकीकत में लूट रहे धमे तो लोगों को बोल लूट रहे कहते लूट रहे, तेरी भैंस को अंडा मारूं तेरी। भाई एक मिनट, मैं आपको कहीं देखे सर का है? मैं हैदराबादी क्रिश हूँ। अरे रे 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 रे, क्या हालत हो गई यार तुम्हारी? शादी हो गई ना नूर भाई, इस वास्ते तो बराबर है, चलता हूँ। अजी जमाना क्या हुआ? 300 रुपए देके उजड़े सोते को इस तरीके का वायर भी धला लो। भाई नूर भाई, अरे जब से नहीं बोलना तुम। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, बताइए क्या बीमारी है? नको पूछो डॉक्टर साहब, नको पूछो, क्या बीमारी है नको पूछो, क्या बीमारी नहीं है ये पूछो। क्या बीमारी नहीं है? बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, सर में दर्द नहीं है, पेट में भी गुड़गुड़ने पड़ा, घुटनों में भी दर्द नहीं है, पैरों में भी दर्द नहीं है, एसिडिटी नहीं है, दमा नहीं है, अल्सर नहीं है, कैंसर नहीं है, ब्रेन ट्यूमर नहीं है, ब्रेन हैमरेज नहीं है, हेरेड नहीं है, जॉइंट पेन भी नहीं है, चक्कर नहीं है, सर में दर्द भी नहीं है, गुर्दों में दर्द भी नहीं है, दिल्ली में वरट भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से कोई सी भी बीमारी नहीं है, माशाल्लाह सब अच्छा है। लेकिन एक चीज भूल गया। क्या वो? दिमाग, आपके पास दिमाग भी नहीं है। आई क्या दिमागी बातें कर रहा रे बाबा, तेरे ऐसा समझा क्या, दिमाग नहीं रहने। हाय हाय नूर भाई, ये खाला तो तुम्हारे को डिफिटा देते जा रहे। ये बुड्ढी की पूरी प्लानिंग समझ गया मैं, अब देख खाली कैसा डील करता हूँ। हाँ। क्या है रे, डॉक्टर साहब से घुस 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 कर लेते बेटा, तू डॉक्टर बन गया क्या? खाला
जब तुम्हारे को इनमें से कौन सी भी बीमारी नहीं है तो दवा खाने को कहीं को आए तुम? सही बोलू? हाँ बोलो। जान दे बा, कहीं को बोलू? हाँ ऐसा ऐसा नहीं रे बा, कैसा कैसा कैसे की छोरा दिख। अच्छा तो ये वो केस है, असल में ये बुड्ढी टाइम पास करने ऐसा है, अब इसका ऐसा काम करता हूँ जिंदगी भर याद रखना है। चश्मा नीचे करो, आंखा बताओ। अरे रे रे रे, आंखों में तो पूरी वीरानियत छाई हुई है। जरा मुंह खोलो। माशाल्लाह काफी बड़ा मुंह है आपका। पाना बहुत ज्यादा खाते हो सर का दिख रहा, पूरा मुंह लाल लाल है। नहीं रे बा, नहीं खाती मैं पाना की ना। अच्छा मर्द का खून पीते से? क्या बोला रे, माठी मिले? खाला मैं ये बोल रहा था, खाला आपके जिस्म में खून की कमी है। मैं का बीपी चेक कर ले तो। खैर मैं यहाँ पर थर्मामीटर लगा दे। ठीक है लगा। आ करिए, दबान के नीचे रखो। चल लाओ खाला, हाथ लो। नहीं कर रहे? जरा मुंह नहीं खोलना, जरा बीपी चेक करना है जी। डॉक्टर साहब बीपी तो नॉर्मली चे खाला का, फिर इतना कहीं को पुकार ले रहे कि नू? इनका बीपी नॉर्मली चे रहता रे, इनके मरद का बड़े वारा था, असली टेंशन तो उनको है। देख के ज्यादा हूँ हूँ नको करो, नहीं तो मुंह में थर्मामीटर फट जाएगा। अरे रे 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 रे। आ? क्या तो भी हो क्यों जा रहे बाबा? आ करके दीदा फाड़ दे रहा। 126 बुखार है तुम्हारे। एक्सटर्नल नहीं इंटरनल बुखार है, इसमें बाहर का जिस्म ठंडा रहता अंदर का जिस्म गर्म रहता, हड्डियों का बुखार बोलते इसको। आई, सही भी? हाँ फिर फौरन इसका इलाज करा लेना, नहीं तो सीधा बिस्तर पे डाल देता। देखो आई वैसा नको बोल रहे बा। हवाला वाला खले वाला खले वाला दिया से तो बिस्तर क्या बोल रहे हैं? वैसा नको बोलो, बोले ना विश्वास से ऐसा बोलो। आई मजाक कर रहा, दवा खाने को आई तो भाई। देखो खाला ये बहुत बड़ी बीमारी है, भयंकर है, खुदा ना खासा कुछ देर हो गई, देर सवेर हो गई बोल तो बाद में कुछ भी नहीं कर सकते। देखो अम्मा मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? 100% तो गारंटी नहीं है लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, ये टेस्टा कराए बाद मालूम होता। एक काम करो आप ये टेस्टा करा लेके आइए। अम्मा क्या होता की क्या रहेगी, कलेजा मुंह को आ गया, दिल धड़ धड़ मार ले रहा, कलेजा मुंह में आ गया अभी। जल्दी जाओ, देर हो गई तो कुछ भी नहीं कर सकते फिर। ऐसा आई कंपाउंडर थाई थाई। डॉक्टर साहब खाला को सही भी इतनी बड़ी बीमारी है भाई? कुछ भी बीमारी नहीं है, मैं बुड्ढी को फिर असल में उन्हें अपने साथ टाइम पास करने आई थी, मैं उनको टाइम पास बना के छोड़ दिया, अब खाली डर लेते घबरा लेते दवा खाने फिरती बुड्ढी। अरे नहीं करना वो ऐसा, किसके भी साथ गलत है वो। पहले वीडियो तो पूरा देखो यार, पहले कमेंट शुरू कर देते तुम लोग। सुबेटा लाल कपड़ों में तो लाल मिर्ची दिख रहे एकदम तुम। ये लीजिए आपके पसंद के लाल रसगुल्ले। अल्लाह नूर आज भी तुमको मेरी पसंद याद है? परिंदा हवा में रह के परा मारना भूल सकता लेकिन नूर अपने जुबेदा की पसंद कभी नहीं भूल सकता। आज भी वही बात है तुम्हारे। मोहब्बत भी आज भी वही है मेरी। जुबेदा तुम्हारे को याद है एक बार 2 बजे रात को तुम मेरे को लाल रसगुल्ले खाना दिल बोल रहा बोले तो मैं पड़ते पानी में भीग लेते हुए जाके खाला के घर पे खटका मार के तुम्हारे वास्ते लाल रसगुल्ले लेके आया था। वो कैसा भूल सकती हूँ मैं जब भी परभनी में ये लाल रसगुल्ले खाती थी मेरे को तुम्हारी ची याद आती थी। दूसरे दिन खाला दुनिया है गालियां दी थी दिन में से उठाया बोल के। अच्छा तुमको वो याद है क्या? जब हमारे अब्बा तुमको गुस्सा करे थे और तुम उनके पान में चुना तेज कर दिए थे उनका मुंह पक गया था। फिर बाद में जान दो बोल के खोपरा भी मछला के खिलाया उनको। क्या दिन आज वो भी पुराने।
क्या हुआ? आँख में कुछ चले गया शायद। मसलो नको, काजल खराब हो जाएगा। मैं फूकता हूँ, ठहरो आँख में। क्या हो रहा है ये? मैं कुछ भी नहीं करा, हमला खाली बैठे हुए थे। अच्छा तू यहाँ जा रहे पूरे मिठे पाना? क्या जी बोलो, पूरी जी ने तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली बैठे हुए थे जी हम लोग। मैं समझ रही हूँ नहीं, सब देख रही हूँ। कौन है ये परकली? इसके साथ तुम चिपक के क्या कर रहे थे? कौन है जी ने? बहन है। दोस्त की बहन है। ये कौन है नूर? ये इसकी बहन है। हाँ आपा है मेरे। ये इसकी तो बहन है, लेकिन तुम्हारी कौन है और इन्हें कौन है जी? इन्हें पुराने दोस्त की बहन है। ये कौन है, इन्हें कौन है? बोलो जी बोलो। कौन है? मैं पूछ रही इन्हें कौन है? नूर ये कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बोलो कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? रसोड़े में कौन था, वहाँ कौन था? कौन है? एक मिनट, ये मेरी बोलो, ये मेरी